दारू है वो आप पी सकते हो। एंड टुडे मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप। थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ ज़्यादा लोगों को देख के, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देना। आज के टाइम पे अगर रिलेशनशिप में बात करें तो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होती है सिंगल्स, मोस्टली मेरे हिसाब से तीन तरह के पाए जाते हैं। एक तो जिनको भगवान बना के भेजता है, जा बेटा तू कितना भी ट्राई कर ले, जब तक तेरे माँ बाप नहीं दिला रहे तुझे नहीं मिलने वाली है। तो उनका आखिरी में क्या होता है स्टेटस, आई एम प्राउड टू बी सिंगल। अगर कोई बंदा ये डाल के रखा है तो आप समझ लो बंदे की उम्मीद ख़त्म हो गई है, अभी वो वेट करेगा घर वालों का। आफ्टर दैट आता है सेकेंड मजनू, जो अपनी हरकतों की वजह से सिंगल बने होते हैं, जिनका था सब कुछ सही था, रिलेशनशिप अच्छा खासा था, लेकिन बिकॉज ऑफ देम, और आखिरी में उनको वही चाहिए जिसकी वजह से वो सिंगल हुए हैं। तो ये हो गई सेकेंड कैटेगरी। थर्ड आते हैं हम लोग अखंड सिंगल, मतलब जिनको नफरत ही है दिल में है उनके, उनका ये सीन हो जाता है कि दो साइकिलें भी देख लें साथ में तो एक को लात मार गिरा देंगे, मतलब कपल देख ही नहीं सकते हैं वो लोग। तो एट द एंड उनका चाहिए सब कुछ, लेकिन अगर आप बात करोगे तो एकदम सख्त लौंडा, नहीं भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप भी लड़की बन के फ़ोन कर दोगे ना तो दो घंटे आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन सामने तो वो सख्त लौंडे रहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, सबके होते हैं एक के बाद एक, किसी के एक दो तीन, शादी तक चलता रहता है। इसमें भी रीज़न लड़कों का तो नहीं पता, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं किया, जितने हुए लड़कियों ने किए हैं तो उनके तीन रीजंस मुझे पता है। फर्स्ट आ जाता है आपका पेरेंट्स, तीन चार साल तक तो रिलेशनशिप अच्छी चलती रहेगी, लेकिन जब उनको तोड़ना होगा तो पहला निकल के आता है कि भाई मेरे पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि जैसे वो कल ही पैदा हुई हो, अभी उनकी छठी होगी, मुंडन होगा, फिर बर्थडे सेलिब्रेट होगा। अभी तक कोई प्यार नहीं था, लेकिन सडनली माँ बाप का प्यार, बाय गॉड। पहले तो आपका मतलब महीने में एक दो तीन चार बार कॉल, उसके बाद डेली शुरू हो जाता है। अभी तक तो लगता है पेरेंट्स चांद पर रहते थे, और जब आपकी बात आएगी तो आप तो अनाथ हो, आपके पेरेंट्स हैं ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते। ये तो पहला हो गया लड़कियों का, जो मेन वो लोग देती हैं। सेकेंड्स आप लोगों को तो पता नहीं, मेरी वाली ने यही दिया था, एज। उसका कहना था नहीं मेरी तो एज हो गई है, अभी मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। मैंने बोला तेरी एज हो गई है, मैंने कौन सी संजीवनी बूटी खाई है, या काम जो हुआ कि मेरे को वरदान दे के गए, बेटा तू हमेशा सदा बाहर रहेगा, तेरा टाइम बर्बाद हुआ है तो मेरा भी बर्बाद हुआ है ना। देन अनदर एक्सक्यूज़ कि आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, गर्लफ्रेंड का बोलना था कि तुमको तो कोई मिल जाएगी। मैंने बोला हाँ शाहरुख हूँ, मेरे तो लाइन लगी है, जबकि होता है इसका उल्टा है, उनको कोई भी लड़का मिल जाएगा अगर एक बार पता चल जाएगा कि हाँ लड़की सिंगल है, लाइन लगी रहेगी। आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा ताली बजाने का, जानबूझ के नहीं बजा रहे हो। तो होता है इसका उल्टा है, ये तो हो गया आपका सेकंड। थर्ड आ जाते हैं पैसा, मनी। कि अभी रिसेंट में हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड का बोलना है कि दो महीने का टाइम देती हूँ, दो महीने में एक अच्छा सा नौकरी, अच्छा सा नौकरी आप समझ सकते हो 60-70 हज़ार की नौकरी, आफ्टर दैट 3-4 लाख सेविंग और एक घर। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, शादी का डेट बता दे, वो कार्ड भेज दे, क्योंकि अलादीन का 6 लाख तो है नहीं मेरे पास कि जो मैं घिसूंगा और इतना सब आ जाएगा। और अगर मैं ये सब तेरे लिए करने भी निकला तो यूपी प्लस मारती बहुत है, क्योंकि एक नंबर से तो पैसा आने से रहा, मेरे को दो नंबर ही करना पड़ेगा, तो 786 का बैज लगवाने से अच्छा है तू जा, मेरे को नहीं चाहिए। ये तो हो गए आपके ब्रेकअप। अभी जो लास्ट है ये मैं शेयर करूँगा, वो गर्लफ्रेंड का जो उसका वो बहुत अच्छी है, प्यार भी बहुत करती है, लेकिन मजबूरियाँ हैं अपनी अपनी और इनोसेंट काफ़ी है। एक दिन मेरे को बोली कि अच्छा ऋषि काम करते हैं, चलो एमसी डोनर चलते हैं। हूँ तो मैं यूपी से ही, मैंने कहा एमसी, फिर मेरे ध्यान आया, मैंने बोला मेरी माँ एमसी नहीं है, वो मैकडोनल्ड्स है, तो साथ में बोलते हैं एमसी नहीं बोलते हैं। तो बोली अच्छा चलो ठीक है। ये तो उसका फर्स्ट था, हिंदी बोलेंगे चूतिया पर। हाँ दूसरे टाइम मेरे को बोली, अभी दो दिन पहले की बात है, कॉल आया ऋषि एक बात बताओ, मैंने बोला क्या, बोली ये शिकागो कहाँ पड़ता है। मैंने बोला अभी तो मोदी जी भी नहीं विजिट किए कहीं नई कंट्री में, शिकागो कहाँ पैदा होगा। फिर मुझे ध्यान आवश्यक, मैंने बोला अगेन बोल रहा हूँ वो शिकागो नहीं है, वो शिकागो है, तो ध्यान रखा करो, थोड़ा मेरे से बोल देती हो चलता है, अदर कहीं करवाओगे तो बहुत बेइज्जती होगा।
सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू गाइज.